हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, टैली प्राइम सीखने की सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं। और आज की ये वीडियो है टैली प्राइम की। टैली प्राइम में एक हमारे व्यूअर हैं जिनका कहना ये है कि सर अगर हम परचेज करते हैं तो परचेज में किस तरीके से हम नरेशन देंगे, आखिर नरेशन का क्या मतलब होता है। अगर मान लीजिए हम रिसिप्ट में एंट्री करते हैं तो रिसिप्ट में क्या नरेशन देंगे, अगर मान लीजिए सेल्स करते हैं तो सेल्स में क्या नरेशन देंगे। तो आज इसी की बात कर लेते हैं। और सबसे पहले टैली प्राइम का जो एडिट लॉग वर्जन है उसे मैं ओपन कर लेता हूं, ठीक है। आपके पास जो भी टैली प्राइम का वर्जन हो या टैली ईआरपी 9 हो, आप ईआरपी 9 में भी सेम काम कर सकते हैं, ऐसे ही काम होगा, ठीक है। तो यहां पर जो है आपको दिखाता हूं कि किस तरीके से आपको करना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम सबसे पहले एक कंपनी चूज करते हैं जिस कंपनी में हमें ये काम करना है। तो ये कंपनी मान लीजिए मैंने ये चूज कर दिया, ठीक है। अब मान लीजिए अगर आप परचेज में एंट्री करते हैं तो वी बटन प्रेस करके आपको परचेज में आना होगा। और परचेज में आने के बाद यहाँ पर आपको सप्लायर द्वारा दिया गया इनवॉइस नंबर आपको डालना होता है। यहाँ पर वो डेट आती है जिस डेट पर होती है परचेजिंग, और यहाँ पर वो क्रेडिटर पार्टी यानी सप्लायर पार्टी का लेजर आता है जो जिससे कि आपने सामान परचेज किया है, ठीक है, जिसने कि आपको बिल दिया है। और ये डिटेल डालते हुए आप नीचे आएंगे और यहाँ पर उनका जीएसटी आई एन आएगा। तो उनका जो भी जीएसटी आई एन होता हो वो आप डाल करके आगे बढ़िएगा और यहाँ पर आता है परचेज अकाउंट का लेजर। अब बात करते हैं कि क्या चीज परचेज किया गया। तो मान लीजिए बासमती राइस है, 100 किलो परचेज किया गया, तो ये 100 किलो के हिसाब 50 रुपए खरीद रेट हमारी पड़ी है, 5000 का ये सामान हो गया, ठीक है। नीचे आते हैं, यहाँ पे जीएसटी लगाते हैं, तो सीजीएसटी और एसजीएसटी लगा देंगे, लेकिन चलिए ये वीडियो जीएसटी के लिए नहीं है। तो यहाँ पर आएंगे, एंटर करते हैं, एंटर करके नीचे आते हैं। तो नीचे जैसे ही आते हैं तो आपको नरेशन देखने को मिलता है। नरेशन का हिंदी मतलब होता है कथन, यानी आप कर क्या रहे हैं। जैसे यहां पर हम बात कर रहे हैं परचेजिंग की, और यहां पर देखिए क्रेडिटर पार्टी का लेजर आया हुआ है। यानी जब भी क्रेडिटर पार्टी का लेजर आता है तो आप यूं समझिए कि उधार की परचेजिंग हो रही है। बिल्कुल आपको यही समझना है कि उधार की ही परचेजिंग हो रही है और हो भी यही रहा है, ठीक है ना। तो यहां पर उधार की परचेजिंग हो रही है, तो यहां पर क्या लिख देंगे हम, यहां पर लिख देंगे द गुड्स। क्या लिखेंगे, द गुड्स have been purchased URCHASED on credit, ठीक है, ये लिख दिया। यही आपको देना है, ठीक है ना, यही आपको किसमें देना है, जबकि आप नरेशन डाल रहे हो तो यही आपको देना है, ठीक है। आप टैक्स भी लगा सकते हैं, जैसे यहां पर अगर टैक्सेस इनेबल हैं तो यहां पर देखना होगा कि ये कौन सी पार्टी है, ये पार्टी बाहर की है यानी सेम स्टेट की पार्टी नहीं है, तो यहाँ आईजीएसटी लगा दिया मैंने। और बाकी नरेशन आप देख सकते हैं क्या दिया गया है, ठीक है। तो नरेशन आपको यही देना है और इस तरीके से देते हुए एंटर करके इसे एक्सेप्ट करवा लेना। ये एंट्री हो गई पूरी। अब जब इस एंट्री को आप देखेंगे तो यहाँ से दो बार डी प्रेस करेंगे गेटवे ऑफ टैली पर आने के बाद, और यहाँ पर यह नीचे वाली एंट्री जो है हमारी है इसको ओपन करते हैं और यहाँ अल्ट के साथ पी प्रेस करते हैं, एंटर करते हैं और यहाँ से प्रीव्यू कर लेते हैं। तो यहाँ पर नरेशन भी आना चाहिए, तो देखते हैं एक बार नरेशन आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर नरेशन नहीं आ रहा होगा तो नरेशन आएगा कैसे वो भी देखना होगा, ठीक है। तो फिलहाल तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कोई नरेशन का जो है, जो नरेशन हमने दिया था वो नरेशन आया नहीं है हमारे पास, ठीक है। तो नरेशन भी आए इसके लिए क्या करना होगा, इसके लिए एक बार एस्केप बटन प्रेस करिए, दूसरी बार एस्केप बटन प्रेस कीजिए, यहाँ से चले चलिए कॉन्फिगर पे, और कॉन्फिगर पे जैसे ही आते हैं तो यहाँ पर आपको नरेशन का ऑप्शन मिल जाता है। पहले शो मोर पे क्लिक करेंगे और जैसे ही शो मोर पे क्लिक करते हैं तो देखिए ये दिया हुआ है शो नरेशन, दिख रहा है ये। तो इसको आपको यस करना है और यस करके कंट्रोल ए करना है और तब इसका प्रीव्यू करना है। तो आप देखेंगे कि नरेशन भी आपको दिखाई पड़ना शुरू हो जाएगा। देखिए नरेशन दिखाई पड़ रहा है नहीं, यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है द गुड्स हैव बीन परचेज्ड ऑन क्रेडिट, यही तो हमारा नरेशन है, यही रिमार्क्स भी कहलाता है, ठीक है। तो ये हो गया परचेज। अब मान लीजिए सेल करेंगे तब क्या करेंगे, तो सेल के लिए हम सेल्स वाउचर में जाएंगे, तो यहाँ से F8 प्रेस करके सेल्स वाउचर में चलते हैं। और यहाँ पर मान लीजिए इस बार कैश में ही सेल कर रहे हैं, ठीक है, तो ये कैश में हमको पैसा मिल गया, हम कैश में सेल कर रहे हैं और ये कंज्यूमर हमारा कोई जो है इसके पास जीएसटी आई एन तो होता नहीं है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे सेल्स का लेजर आ गया। अब वही बासमती राइस था तो हम इसी को ले लेते हैं। अब मान लीजिए 20 किलो परचेज किया गया, परचेजिंग रेट सॉरी सेल किया गया 20 किलो और सेलिंग रेट 66 रुपए रहा, 1320 रुपए का सामान सेल हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे सीजीएसटी लगाते हैं क्योंकि ये सेम स्टेट का मामला है, तो सीजीएसटी एसजीएसटी ही लगेगा, जहां की आपकी कंपनी है वहां ही का कस्टमर भी है, ठीक है।
एंटर करते हुए यहां आ जाएंगे और यहां लिख देंगे द गुड्स हैव बीन सोल्ड विथ कैश रुपीज, कितने का सेल हुआ 1386, ठीक है, टैक्स इंक्लूड करके 1386 रुपए का ये सामान सेल कर दिया गया। और जब इसका भी आप प्रिंट आउट देखेंगे, देखिए मैं आपको दिखाता हूं, पहले तो आपको गेटवे ऑफ टैली, टैली की मेन मेन्यू पे आ जाना, ये टैली की मेन मेन्यू होती है, मैं कई बार बता चुका हूं, यहां से आपको एक बार डी प्रेस, अच्छा डी क्यों प्रेस करना है, क्योंकि हमें कहां जाना है डिस्प्ले, और डिस्प्ले का क्या हाईलाइट है, डी हाईलाइट है, तो अगर डिस्प्ले पे जाते हैं तो जैसे ही डिस्प्ले पे जाएंगे तो अब देखिए डे बुक पे जाना है तो डे बुक का क्या हाईलाइट है, डी हाईलाइट है, इसीलिए दो बार डी प्रेस करने को कहता हूं। तो ये दो बार डी प्रेस किया और हमारा जो बिल है वो ये वाला है, सेकेंड वाला, तो यहां पर आएंगे, सॉरी ये नहीं है, यहां से बाहर आते हैं, ये थर्ड वाला है यहां पर, अब अल्ट पी करेंगे, एंटर करेंगे और आई बटन प्रेस करेंगे तो देखिए यहां पर नरेशन भी आपको नजर आएगा। नरेशन कहां नजर आ रहा है, नरेशन देखने के लिए हम यहां पे चेक करते हैं नरेशन आ रहा है या नहीं, इसमें भी नरेशन एक्टिवेट करना होगा, तो एक्टिवेट करने के लिए हमें पहले बाहर आना होगा और यहां से कॉन्फ़िगर पे जाना होगा। कॉन्फ़िगर पे जाते ही हमको यहां पर शो मोर पे डबल क्लिक करना होगा और शो मोर पे क्लिक करते ही देखिए यहां पर भी शो नरेशन फॉर ईच एंट्री नो है, इसको भी यस कर देंगे, कंट्रोल ए कर देंगे, साफ साफ नीचे दिखाई पड़ रहा है यहाँ पे नरेशन लिखा गया है, रिमार्क्स यहाँ पर भी लिखा हुआ आ रहा है, द गुड्स हैव बीन सोल्ड विद कैश रुपीज 1386, यहाँ पे दिख रहा है आपको, तो इसी को नरेशन कहते हैं और जो आप काम कर रहे हैं वही नरेशन में लिखा जाता है। मान लीजिए कि आप फिर कैपिटल रिसीव करा रहे हो कंपनी में अपने, तो कैपिटल रिसीव कराने की एंट्री कैसे होगी, तो देखिए वी बटन प्रेस करके आ जाइए वाउचर में, लेकिन अभी हम हैं करेंटली कौन से वाउचर में है, अभी तो हम हैं आपका सेल्स वाउचर में, लेकिन हमें जाना है रिसिप्ट वाउचर में रिसीव कराने के लिए, तो हम क्या करेंगे, क्या प्रेस करेंगे, यहां से हमें प्रेस करना होगा F6, F6 शॉर्टकट की है, फंक्शन बटन F6 प्रेस कीजिए, आप आ जाएंगे रिसिप्ट वाउचर में, यहां पर आपको क्रेडिट दिखाई पड़ेगा, तो क्रेडिट दिखाई पड़ेगा तो क्या करना है, Alt C करके और एक लेजर क्रिएट करना है, एक खाता बनाना है, किसका, कैपिटल अकाउंट का। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप कैपिटल के जगह कुछ और लिख दे, कुछ और नहीं लिखना है, आपको कैपिटल ही लिखना है, ठीक है ना, तो यहाँ पे कैपिटल अकाउंट कर दीजिए, एंटर करिए, इसका ग्रुप कैपिटल अकाउंट ही रहेगा, एंटर करते हुए इसे भी एक्सेप्ट करा लीजिए। अब कितना कैपिटल कंपनी में डाल रहे हैं आप वो देख लीजिए, जितना भी डाल रहे हो वो डाल करके यहाँ नीचे आइए, ये आप कैश से डाल रहे हैं, कैश में डाल रहे हैं या बैंक से डाल रहे हैं ये भी आपको देखना होगा, फिलहाल मैंने बैंक का लेजर क्रिएट नहीं किया है तो मैं कैश ही कर देने वाला हूं, तो यहां कैश कर दिया। और यहां पे नरेशन में क्या डालेंगे, यहां पे डालेंगे रुपीज 60,000, रिसीव्ड RECEIBED इन कंपनी, ये हमने नरेशन डाल दिया और एंटर करके इसे एक्सेप्ट करा लिया, तो यही तो नरेशन है, इसी को नरेशन कहते हैं, ये बहुत आसान है, ठीक है ना। अब इसी तरीके से किसी भी वाउचर में आप जाते हैं, जैसे अगर मान लीजिए पेमेंट वाउचर में ही जाते हैं तो पेमेंट वाउचर में क्या करेंगे, F5 प्रेस करके पेमेंट वाउचर में चले चलेंगे, और यहाँ पर जिस भी पार्टी को, जैसे यहाँ पर गौरव क्रेडिटर पार्टी है तो इनका देखिए 7,875 रुपए बकाया है, तो अगर आप 7,875 रुपए इनको दे रहे हैं कैश कैश में, तो देखिए एक तो यहाँ पर कर्सर जो है अपने आप अगेंस्ट रेफरेंस पर आ जाता है, एंटर करिएगा ये आ गया, एंटर करिए फिर एंटर करिए और फिर नीचे आइए, और यहाँ पर अगर कैश में दे रहे हैं, कैश कर दिया हमने तो ये कैश में दे दिया, अब यहां पर क्या लिखेंगे, अब पेमेंट वाउचर की बात है तो पेमेंट वाउचर में क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे कैश रुपीज, कितना पे कर रहे हैं हम 7,875 रुपए, 7,875 रुपए पेड PAID पेड टू गौरव होलसेलर, ठीक है, ये लिख दिया हमने और एंटर कर दिया, इसे एक्सेप्ट करा लिया। अब जब आप देखेंगे इसका बिल तो आपको ऐसे दिखाई पड़ेगा, ये पेमेंट वाला बिल है, अल्ट पी कीजिए, एंटर कीजिए और यहां पर आप देख सकते हैं, यहां पर ये आपका बिल है, ये पेमेंट का बिल है, ये ध्यान दीजिएगा कितना रुपया पेमेंट किया गया है, कैश रुपीज पेड, ये नरेशन में जो हमने डाला था वो चीज यहां पर आ रही है लिख करके, तो बस यही आपको करना है, ऐसे ही आपको पेमेंट करना है और ऐसे ही आपको नरेशन डालना है, यही नरेशन का मतलब होता है, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि पूरी बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, ठीक है, फिर भी अगर कोई दिक्कत होती हो तो कमेंट करके जरूर पूछिएगा। चलिए तब तक के लिए कीप वॉचिंग, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।